स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से इलस्ट्रेशन नंबर 12। चैप्टर का नेम है पार्टनरशिप फंडामेंटल। जी हाँ, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर और इसका इलस्ट्रेशन नंबर करने वाले हैं 12। क्या सीखेंगे इसमें? इसमें सीखेंगे हम प्रॉफिट डिवीजन कैसे किया जाता है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूँ। इसमें तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी। ए बी सी नाम के तीन पार्टनर हैं और इन पार्टनर्स के जो है फॉर्म की कैपिटल वो दी हुई है। ए ने लगाए हैं 60,000, बी ने भी लगाए हैं 60,000 और सी ने लगाए हैं 80,000। ठीक है बेटा, ये इनकी अपनी कैपिटल लगाई है और इस सम के अंदर साथ में दिया हुआ है करंट अकाउंट के बैलेंसेस। ए के जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, क्योंकि जब करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होते हैं इसका मतलब होता है कि फर्म की कैपिटल फिक्स्ड है और जो चेंजेस आने हैं वो सारे चेंजेस हमें करंट अकाउंट में करने हैं। जब करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होते हैं इसका मतलब कंपनी की कैपिटल जो है या पार्टनरशिप की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड होती है और जो चेंजेस हैं वो हमें कहाँ दिखाने होते हैं? करंट अकाउंट में दिखाने होते हैं। करंट अकाउंटिंग के बैलेंस हैं, ए ने 10,000, ए का जो बैलेंस है करंट अकाउंट का 10,000 में क्रेडिट है। बी का जो बैलेंस है वो हमारे पास है 5,000 रुपी क्रेडिट, और जो सी का बैलेंस है वो हमारे पास क्रेडिट नहीं है बल्कि वो हमारे पास है 2,000 रुपये डेबिट। प्यारे बच्चों, पहले मैं स्टेटमेंट समझा रहा हूँ कि ए बी सी की फिक्स कैपिटल लगी है 60, 60 और 80। ए की कैपिटल पर करंट अकाउंट का बैलेंस है, सॉरी, ए की जो करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000 क्रेडिट के, बी का 5,000 क्रेडिट के और सी का 2,000 डेबिट के। इसमें पार्टनरशिप ड्यूड ये कहती है कि इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनरशिप ड्यूड है वो ये कहती है कि 10% जो है टोटल प्रॉफिट होगा आपका, उस टोटल प्रॉफिट का 10% जो है आपने रिजर्व बनाना है। और मुझे यहाँ टोटल प्रॉफिट दिया 1,80,000। टोटल प्रॉफिट कितना दिया है? 1,80,000। और डीड के अनुसार 10% का बनना है रिजर्व। जो टोटल प्रॉफिट था मैंने इधर लिख दिया है क्रेडिट साइड में, क्योंकि मैं बनाने जा रहा हूँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2019 को। मुझे दिया है पी एंड एल का प्रॉफिट जो फर्म का आया है 1,80,000 रुपये नेट प्रॉफिट एज पर द पी एंड एल अकाउंट 81। इसका 10% जो है वो रिजर्व में चला जाना है। नेट 10% इसका रिजर्व में जाना है। 1,80,000 का 10% निकालूंगा वो बनता है 18,000। तो उसके बना दिए मैंने टू जनरल रिजर्व। जी हाँ, पार्टनरशिप डीड में जो कुछ भी कहा जाता है वो सारा डिवीजन हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। और यहाँ था कि 1,80,000 का 10% रिजर्व बनाइए, हमने जनरल रिजर्व बना दी 1,80,000 का 10% 18,000 रुपये। उसके बाद कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। कैपिटल फिक्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए उसने जो रेट हमें दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो दिया है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें दिया है एट द रेट 5% पर एनम, 5% साल का। 60,000 रुपये पर अगर हम 5% साल का निकालें तो 3,000 बनते हैं। इस 60,000 पर निकालें 5% 3,000 बनते हैं। इस 80,000 पर 5% निकालें तो कितने बनते हैं? 4,000। तो ये 60,000 पर एट द रेट ऑफ 5% 3,000, 60,000 इसकी भी थी 3,000, 80,000 इसकी भी 5% 4,000, 3, 3, 6 और 4, 10। 10,000 में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दो बातें पार्टनरशिप डीड की हमने देख ली हैं और वो हमने टैकल कर ली हैं। जनरल रिजर्व का बनाया 1,80,000 का 10% जनरल रिजर्व 18,000, 1,80,000 में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिविजन कर दिया ए बी सी का, वो बनता है 10,000। सी की एनुअल सैलरी पार्टनरशिप डीड में लिखी है 12,000 पर एनम के हिसाब से देनी है, साल के 12,000 देने हैं तो सी की सैलरी भी दे रहे हैं तीसरी बार 12,000 रुपये हमने साल के दे दिए। अब वो कहते हैं जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। जो बचेगा वो क्या हो? डिविजिबल प्रॉफिट। 1,80,000 में से हमने 18,000, 10,000 और 12,000 तीनों को माइनस कर देना है तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,40,000। कितना आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट? 1,40,000। अब 1,40,000 जो प्रॉफिट आया है ना, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर डिवीजन करना है आपने, उस डिवीजन के लिए इसने टेबल बनाई है और साथ में मांगी है पेनल एप्रोप्रिएशन की एंट्री। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर मैंने सारे करंट अकाउंट लिए हैं जो भी डिवीजन के लिए लिए हैं। ये जो डिवीजन में 51,000, 45,000 और 44,000 दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको बाद में समझना आएगा क्योंकि डिवीजन को हम समझने चल पड़े हैं। इसमें शर्त है कि ए बी और सी में डिवीजन किस प्रकार करना है,
पहले 20,000 का जो डिवीजन होना है वो डिवीजन होना है कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कितने हैं? कैपिटल 30, 60, 60 और 80। इससे रेशियो निकले थे 3, 3 और 4। तो पहले 20,000 को कैपिटल रेशियो में बांटना है, तो 3 बटे 3, 3 6 और 4 10, 3 बटे 10 एक निकलेगा डिवीजन 6,000 रुपये। फिर पहले 20,000 को इसने 3, 3 जो 4 में बांटने के लिए इसका भी आएगा 6,000 रुपये और इसका आएगा 8,000 रुपये। लो पहले 20,000 डिवाइड हो गए। दूसरी बात में वो कहता है कि जो अगले 30,000 हैं वो आएंगे 5, 3, 2 में। अगले 30,000 रुपये लाभ के, लाभ हमारे पास बचा है 1:40 का। लाभ में से फर्स्ट 20,000 बटेंगे कैपिटल रेशियो में, अगले 30,000 कैसे बटेंगे 5, 3, 2 में, 5 बटे 10, 3 बटे 10, 2 बटे 10। अगर मैं इसको निकालूं तो ये निकलता है 15,000 रुपये ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट निकलता है 9,000 रुपये और इसका प्रॉफिट निकलता है सी का 6,000 रुपये। इस तरह प्रॉफिट का डिवीजन हो गया। मेरे बच्चों जो डिवीजन का है वो इस प्रकार से कह रखा है कि पहले 20 बांटने हैं कैपिटल रेशियो में, 3, 3, 4 में मैंने डिवीजन कर दिया, ये पहले 20 बट चुके हैं। फिर अगले 30 बांटने को बोला 5, 3, 2 में, वो भी बट गए। अब बंटवारा हो चुका है 50,000 के प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट कितना है 1:40। 1:40 में से अगर 50 को हम बांट चुके हैं, बाकी रह गया हमारे पास प्रॉफिट 90,000 और ये बांटने हैं तीनों में इक्वल, तो तीनों में इक्वल 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 30,000 ए का, 30,000 बी का और 30,000 ही सी का। अगर हम ऐड करें तो यहाँ 90 हो गए, यहाँ पूरे 1:40 के प्रॉफिट हो गए। ए को कितना मिला लाभ डिवीजन का, जो हमें रेशो दिया उसमें देखते हैं 30 और 15 45 और 6 51,000 रुपये के चू मिल गए ए को। बी को कितने मिल गए 30 और 9 39 और 6 45,000 रुपये। सी को कितने मिल गए 30 और 6 36 और 8 44,000 रुपये। इस तरह से ए को जो लाभ मिले हैं 51,000, उस डिवीजन को यहाँ दिखाना है, यहाँ नहीं दिखाना, अलग से टेबल बना के दिखाना जैसे मैंने दिखाया। बी को मिल रहे हैं 45,000, सी को मिल रहे हैं 44,000। इस क्वेश्चन में क्या था, मेन ये था, सिंपल था। इधर लिखिए टोटल प्रॉफिट, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, जो 1:40 आया है इसका प्रॉफिट डिवीजन का सवाल था। प्रॉफिट डिवीजन बड़े पेशेंस के साथ करनी है, उधर साइड पे उसको लेके आना, यहाँ लिखना है। अब वो कहता है कि ये डिवीजन भी दिखा दी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया कि एंट्री क्या होगी, लाभ बटा कैसे, लाभ बटा कैसे, P&L एप्रोप्रिएशन में जो डिविजन में लाभ था उसको हमने किया पहले डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। टू बटा किसको, ए बी सी को, ए के करंट अकाउंट में डाल दिया, बी के करंट अकाउंट में डाल दिया, सी के करंट अकाउंट में कर दिया। अब आप कहेंगे कैसे किया, जिनके करंट अकाउंट में डाला है, जो अकाउंट क्रेडिट होते हैं उनमें जमा होती है राशि, ए को मिलेगा 51,000 रुपये, बी को मिलेगा 45,000 रुपये, सी को मिलेगा 44,000 रुपये। और जो अकाउंट डेबिट हुआ है उस अकाउंट से पैसा निकलता है, जो अकाउंट क्रेडिट होते हैं कैपिटल के संबंध में उन अकाउंट में पैसा जमा होता है। टोटल था ये 1:40 और ये डिवीजन की एंट्री है जो मैंने आपके सामने कर दी है। जो अकाउंट डेबिट होता है वहाँ से पैसा निकलता है और जो अकाउंट क्रेडिट होते हैं कैपिटल के संबंध में वो क्या होते हैं, उनमें पैसा जमा होता है। तो ए के खाते में 51,000, बी के खाते में 45,000, सी के खाते में 44,000 जमा हुआ। यहाँ कैपिटल फिक्स थी इसीलिए मैंने करंट अकाउंट का सहारा लिया, क्योंकि चेंजेस वहीं दिखाई देते हैं।